हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप लोग देख रहे हैं आर ग्लो यूके। सो दोस्तों, मेरा नाम है अमित रावत और आज मैं बना रहा हूँ पिज़्ज़ा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैटरिंग में पिज़्ज़ा किस प्रकार से बनाते हैं। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ और इस 5 मिनट की वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। सो मिलते हैं ब्लॉग में। दोस्तों, ये कैटरिंग में जो है पिज़्ज़ा जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, इसलिए यह हमने बड़ा वाला बेस बना रखा है। और अब हम इस पर जो है सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। और पिज़्ज़ा सॉस हम सब पे लगाने के बाद इसमें हमने जो सोती की हुई है वेजिटेबल है, हम लोग वो ऐड करेंगे इसमें। जैसे हमने इसमें बेल पेपर, ऑनियन और कैप्सिकम वगैरह डाल रखा है, बाकी मैंने मशरूम और बेबी कॉर्न मैंने अलग से काट के रखे थे सौते करके, अब मैं वो इसमें ऐड करूँगा। तो उसके बाद हर किसी कंपनी का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, आप वहाँ के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, सब्जी आप जो आप इसमें चाहें डाल सकते हो। बाकी हम लोग ने सिर्फ यही ऐड करा है जो आप लोग देख रहे होंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगा पिज़्ज़ा की चीज़, जो मजरोला चीज़ होती है, मजरोला चीज़ हम लोग इसमें पूरे में ऐड कर देंगे। और यहाँ पर जो है हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं पिज़्ज़ा बेस, तो इसलिए हमको इस प्रकार बड़ा बड़ा पिज़्ज़ा बनाना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर इन्जॉय कीजिए, आप फिर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगा, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपको लास्ट में पिज़्ज़ा जो है बन के कैसे तैयार होता है वो सब इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने इसमें पूरे में मजरोला चीज़ डाल दी और इसी प्रकार से सब में हमने ये चीज़ डाल दी है। अब इसमें मैं ऐड करूँगा जो हमने ब्लैक ऑलिव और स्वीट कॉर्न हमने अलग से रखे हुए थे मिक्स करके, अब हम इसमें ब्लैक ऑलिव और स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे। जो कि पिज़्ज़ा में अगर स्वीट कॉर्न होता है तो पिज़्ज़ा में जो है 4 चांद लग जाते हैं। जब आप लोग अगर स्वीट कॉर्न के साथ में पिज़्ज़ा खाओगे तो उसका अलग ही स्वाद होता है। तो इसी प्रकार से हम इन सब में ब्लैक ऑलिव और स्वीट कॉर्न डाल देंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे हम 2 आदमी इस पिज़्ज़ा को बना रहे हैं। और अब जैसे ही पिज़्ज़ा तैयार होता है तो आपको मैं पूरा इसी वीडियो में दिखाऊँगा, आप लोग वीडियो को ज़रूर इंजॉय कीजिए। और ये आप देख सकते हैं पूरा पिज़्ज़ा हमारा यहाँ पर बन के तैयार होने वाला है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे पिज़्ज़ा, और अब उसको डालूंगा ओवन में, उसके बाद जैसे रेडी होगा वैसे मिलते हैं, बने रहिए। पर भाई लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और ये हो गए हैं रेडी, आप इन सबको एक एक करके जो है सबसे पहले ट्रोले में डालेंगे और उसके बाद जो है इसको ओवन में लेके जाएंगे। फिर ओवन में इसको 10 से 11 मिनट तक इसको ओवन में डाल के पकाएंगे। तो अब मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ इसको ओवन में, और ये जो है ट्रोल पे लेके जाना पड़ता है क्योंकि अगर वैसे ले जाऊँगा तो ये जो है चीज़ वगैरह पूरी इधर से उधर हो जाएगी तो फिर पिज़्ज़ा जो है ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले ओवन को खोलता हूँ, और कुछ पिज़्ज़ा मैंने यहाँ पर बना के रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं दूसरी साइड से। अब इसको डालते हैं ओवन में और फिर उसके बाद इसको दिखाता हूँ आपका फाइनल लुक इसका कैसा होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं इसी के साथ नई वीडियो में, बने रहिए। ये वाला बन रहा है चिकन पिज़्ज़ा और अभी जाएगा ओवन में, उसके बाद देखते हैं इसका लुक कैसा होता है मास्क में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। सो गाइज, ये पिज़्ज़ा जो है बन के है तैयार, और अब इसकी करते हैं कटिंग। और यहाँ पर हो रही है पिज़्ज़ा की कटिंग। तो अब आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।